उचित होकर जमीन के ऊपर गिर पड़ी। भगवती रुक्मिणी कहने लगे, भगवान आपने कहने लगे भगवान आपने एक ही बात गलत नहीं कही, सत्यम भयादिगुणेभ्यः समुद्र उपलब्ध आत्मा नित्यम कदेन्द्रिगण हस्तो। कहा भगवान आपने एक ही बात गलत नहीं कहा, कहा भगवान आप कह रहे थे कि हम समुद्र में रहते हैं डरते मारे। कहा भगवान जिस मन में काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर ईर्ष्या बैठते हैं ना, वहां पर आपका वास नहीं होता, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हैं। और कहा प्रभु आप कह रहे थे कि हमारे माता पिता का पता नहीं है, नहीं? तो कहा भगवान जगत के माता पिता तो आप हैं, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं। और कहा प्रभु आप कह रहे थे कि हमारा नाम वो गाते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन कहा प्रभु वास्तव में तो धनवान वही है। कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं को, धन बनता सुही जानिए जा को राम नाम धन हो। कहने लगे भगवान जिसके पास आपके नाम का खजाना है, जिसके पास आपके नाम का धन है, वही वास्तव में जगत में संसार में धनवान है। और कहा भगवान ये संसार के धन को तो भाई भाई से बटा लेता है, पिता पुत्र से बटा लेता है, लेकिन कहा भगवान जिसके पास आपके नाम का खजाना है उसको कोई फिर बटा नहीं सकता। और कहने लगे महाराज मीरा के पास आपके नाम का ही तो धन था और वो यही तो कहती थी, पायो जी मैंने